मुरादाबाद में ट्रेडिशनल मूंगफली क्रिकेट मैच का आयोजन हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज में हुआ। पिछले कई वर्षों से ये मूंगफली क्रिकेट मैच का आयोजन हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज में होता आ रहा है। इस कड़ी में शनिवार को भी मूंगफली क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। ट्रेडिशनल मूंगफली क्रिकेट मैच में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता को पहुंचना था, मगर वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मूड़ा पांडे ब्लॉक प्रमुख नवदीप यादव पहुंचे। उन्होंने क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। वहीं क्रिकेट मैच के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि ट्रेडिशनल मूंगफली क्रिकेट मैच के नाम से ये टूर्नामेंट जाना जाता है। उनका कॉलेज काफी पुराना और पूरे क्षेत्र का प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त विद्यालय है। 1951 से ये मैच होता आ रहा है। इसके पीछे की थीम ये है कि बच्चों में एक डर का माहौल नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से लर्निंग कर पाएंगे। ट्रेडिशनल मूंगफली क्रिकेट मैच के नाम से जाना जाता है। हमारा कॉलेज बहुत पुराना और पूरे क्षेत्र का बहुत ही फेमस ख्याति प्राप्त विद्यालय है, आपको पता है। इसमें 1951 से ही ये मैच होता है। इसके पीछे मेन थीम ये है कि बच्चों में और उस्ताद में एक डर नहीं होना चाहिए, डर का माहौल नहीं होना चाहिए, जैसे तभी वो अच्छी तरह से लर्निंग कर पाएंगे। तो इसके पीछे बहुत ही एक होली या पायस थीम है। और जैसे कि एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले ये कहा था कि टीचिंग क्या है, टीचिंग ये है कि टीचर के अंदर पढ़ाई के लिए प्यार मोहब्बत पैदा हो, बच्चों के अंदर मोहब्बत पैदा हो, और टीचर और बच्चों के बीच में जो टाट और लर्नर है उनके बीच में मोहब्बत पैदा हो। तो इसी गैप को दूर करने के लिए और उस मोहब्बत को, प्यार को और कुर्बत को बढ़ाने के लिए ये हमारे बुजुर्गों ने इसे शुरू किया था। कि ये जाहिर सी बात है, आप समझें कि अगर एक बच्चा उस्ताद से रिस्पेक्ट में इस हद तक डरता है कि मुंह ही नहीं खोल पाता, तो अपनी प्रॉब्लम कैसे कहेगा, सीखेगा कैसे और उसकी प्रॉब्लम कैसे। उन्होंने बताया कि शिक्षक और छात्र के बीच में मोहब्बत पैदा हो, इसके बीच का तालमेल बेहतर रहे, इसी प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके बुजुर्गों ने ट्रेडिशनल मूंगफली क्रिकेट मैच शुरू किया था।